नगर निगम चंडीगढ़ के विरुद्ध सोमवार को वेंडर्स ने प्रदर्शन कर जबरदस्त नारेबाजी की। राम दरबार फेज वन और फेज टू के वेंडरों ने बताया कि वह लोग इस क्षेत्र में 15 से 40 वर्षों तक अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए फड़ियां व रेड़ियां लगाकर काम कर रहे हैं। इनमें बच्चे और बूढ़े महिलाएं भी शामिल हैं, किंतु नगर निगम की तरफ से अब ये फरमान जारी कर कहा गया है कि 5 दिसंबर तक वह लोग नई अलॉटेड साइटों पर चले जाएं, अन्यथा उनके विरुद्ध सख्ती कर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसी के विरुद्ध उन्होंने नगर निगम के समक्ष पार्किंग एरिया में प्रदर्शन किया और एमसी के विरुद्ध नारेबाजी की। आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस चीज़ को लेकर कर रहे हैं? ये जो नगर निगम ने वेंडर जोन बनाए हैं, तो उसमें इन्होंने क्या किया है कि जैसे राम दरबार की जो आबादी है, हेलो माजरा द्वीप कॉम्प्लेक्स की जो आबादी है, 1 लाख से ऊपर की आबादी है, तो इन लोगों को, ये गरीब लोग हैं, वहीं पर काम करते हैं और वहीं की गरीब जनता इनसे सामान खरीदती है। तो अभी इन लोगों को कहा जा रहा है कि तुम आईटी पार्क में जाके अपना कारोबार करें। तो इनमें से इतने गरीब लोग हैं कि अपना परिवार भी वहीं पे चलाते हैं, घर भी देखते हैं, और वहाँ पर वो चल जाएंगे तो इनका घर छूट जाएगा, बच्चे हैं उनको स्कूल भेजना वो भी हो जाएगा। दूसरी बात ये कि जो वहाँ के लोग हैं, जो रेजिडेंट हैं, वो सब्जी वगैरह कहाँ से लेंगे? कहा जा रहा है कि जो गलियों में घूम घूम के जो बेचते हैं उनको भी ये मना कर रहे हैं कि वो भी नहीं आएंगे। तो आप ये बताओ कि जो इतनी 1 लाख से ऊपर की आबादी है, वो सब्जी पानी कहाँ से लेंगे? क्योंकि जो डेली नीड की चीज़ें हैं वो इनसे ही वो लोग बाय करते हैं। दूसरा ये कि वहाँ पर 3-3 काउंसलर बीजेपी के बैठे हैं, उनको ये नहीं मालूम कि इन गरीब लोगों के हित में जो पॉलिसी बनानी चाहिए थी, ना कि अमीरों के हित में। अब बताइए, अगर ये लोग वहाँ चल जाएंगे तो सारे लोग क्या आइलैंड में जाके सब्जी खरीदेंगे? ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।